आज हम लोग लेकर आए हैं आपके सामने एक छोटी सी पोएम जिसका नाम है ट्रू ब्यूटी। ये ट्रू ब्यूटी जो है इंटरमीडिएट छात्र के लिए बोर्ड परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी पोएम भी है, काफ़ी छोटी सी है और अच्छी सी पोएम है। अगर आप चाहें तो इसमें सेंट्रल आइडियाज याद कर सकते हैं, केवल दो स्टेजाज में खत्म होने वाली छोटी सी पोएम जिसमें हम देखते हैं कि जो राइटर है उसने फिजिकल ब्यूटी को जो है बताया है कि वेदर इट इज़ गुड और नॉट। और तो देखेंगे छोटी सी पोएम, इसमें हम आपको पहले पढ़ा ही देते हैं फिर देखेंगे कैसा क्या होता है। देखिए ट्रू ब्यूटी का मतलब होता है सच्चा सौंदर्य, यानी कि हमें इसमें बताने का प्रयास किया जा रहा है कि वास्तव में सच्चा सौंदर्य क्या होता है। और इसमें दो तरीके के लोगों के विषय में बताया गया है, फर्स्ट काइंड ऑफ पर्सन और दोज, यानी वे लोग जो जो व्यक्ति के शरीर में या शारीरिक सौंदर्य को देखते हैं, और जो दूसरे किस्म के लोग होते हैं जो मन के सौंदर्य को देखते हैं। तो द फर्स्ट स्टेजा बिलोंग्स टू द फर्स्ट काइंड ऑफ पर्सन, यानी कि वे लोग जो शारीरिक सौंदर्य को देखते हैं या शरीर के सौंदर्य में प्रेम तलाशते हैं। और जो सेकंड है उसमें हमें उन लोगों के विषय में बताया गया है जो जो है व्यक्ति के गुणों की जो है पूजा करते हैं। तो देखें उसमें कैसा क्या होता है। द फर्स्ट लाइन से देयर कहते हैं ही दैट लव्स अ रोजी चीक्स, तो कहते हैं कि वे लोग जो अपने लवर्स में या जो है प्रेसी में जो है खूबसूरत शरीर के अंगों को तलाशते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं। जैसे कि कहते हैं लव्स रोजी चीक्स, रोजी मतलब होते हैं गुलाब जैसे और चीक्स का मतलब है गाल, तो गुलाब जैसे गालों की जो लोग प्रशंसा करते हैं। या फिर कहते हैं आर कोरल लव्स एडमायर्स, कोरल का मतलब होता है मूंगा, एक जो है आप आभूषण जानते हैं जिसको पहना जाता है मुट्ठी में, तो कोरल जो होता है इसका रेड कलर होता है। तो कहते हैं कोरल लिप्स एडमायर, तो वे लोग जो जो है मूंगे जैसे होंठ की जो है प्रशंसा करते हैं। या फिर कहते हैं फ्रॉम स्टार लाइक आइज, या फिर जो है तारे जैसी खूबसूरत आंखें उनकी प्रशंसा करते रहते हैं। तो जो लोग ऐसा करते रहते हैं तो उनके बता गया है डेथ सी फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, तो ऐसे लोग जो शारीरिक सौंदर्य को देखकर अपने प्रेम रूपी आग को जला रखते हैं या प्यार की जो है अग्नि को जो है प्रज्वलित करते हैं। इन लोगों का जो प्यार होता है उसका क्या होता है, वो कुछ समय बाद खत्म हो जाता है। क्यों खत्म होता है, कहते हैं क्योंकि एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डीके सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, तो इसका मतलब है देखिए शारीरिक सौंदर्य जो होता है एक निश्चित समय आने पर एक अवस्था हो जाने पर वो ढल जाता है, चाहे वो लिप्स हो चाहे आइज हो या फिर जो है जो भी चीज़ होती है, तो वो अपने कांति को अपनी खूबसूरती को खो देता है। तो उसके खोने के बाद में जब जाहिर बात है जब शरीर का सौंदर्य नहीं रहेगा तो व्यक्ति का प्यार वो कहाँ पर जो है रहेगा। तो इसलिए कहना है कि ओल्ड टाइम मेक्स दिस डीके, यानी कि बुढ़ापे में या वृद्धावस्था में व्यक्ति का शारीरिक सौंदर्य समाप्त हो जाता है, तो निश्चित ही हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे। तो इस प्रकार से जो जो ईंधन या जो ऊर्जा जो लौ को जलाने के लिए चाहिए होती है निश्चित ही वो भी जो है खत्म हो जाएगी। और आता है इसका मतलब सीधे ही हो गया कि ऐसे लोग जो लोग शारीरिक सौंदर्य में अपने प्रेम को तलाशते हैं निश्चित ही उनका प्रेम एक समय के बाद में खत्म हो जाएगा। अब आगे सेकेंड अगले स्टेज जब हम लोग बात करते हैं इसमें बताया गया कहना है कि बट अ स्मूथ एंड स्ट्रेट पास माइंड, तो दूसरे किस्म के लोगों के विषय में हमें बताया जा रहा है कि जो लोग जो है व्यक्ति के शारीरिक सौंदर्य को न देखते हुए जो है उसके गुणों की प्रशंसा करते हैं। कहते हैं जिनके पास स्मूथ एंड स्ट्रेट पास माइंड मतलब एक शांत और जो है शुद्ध विचार या मन होता है, ठीक है, एंड जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर, तो वे सामान्य विचार और काम डिजायर या शांत भावनाओं की प्रशंसा करते हैं। तो ऐसे लोगों में कहते हैं कि हार्ट विद इक्वल लव कंबाइंड, तो ऐसे लोगों का प्रेम जो है वो हमेशा बरकरार रहता है और एक समान जो है वो बना रहता है, ये कभी खत्म नहीं होगा। और इसीलिए कहता है काइडल नेवर डाइंग फायर्स, तो इस प्रकार से ऐसे लोगों की जो प्रेम रूपी अग्नि या आग है वो उनके रूप उनके पास ऐसा ईंधन होता है जो कभी भी नहीं खत्म होता, क्योंकि हम जानते हैं जिससे व्यक्ति के गुण होते हैं वो समय के साथ धीरे धीरे डेवलप होते हैं, वे बढ़ते रहते हैं, उनमें कभी भी क्षय या क्षति या हानि नहीं होती। हमारे चाहे शांत विचार हो चाहे हमारी शांत भावनाएं हो या फिर जो है जो भी हमारे गुण हैं वो निश्चित ही समय के साथ बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से वे लोग जो व्यक्ति के गुणों की प्रशंसा करते हैं उनकी तारीफ करते रहते हैं, तो निश्चित ही उन लोगों का जो प्रेम है वो समय के साथ बढ़ता रहता है, वो कभी भी खत्म नहीं होता है। तो इस तरह से कहता है वेयर दीज आर नॉट आई स्पाइस लवली चीक्स और लिप्स और आइज, तो जो राइटर कहता है कि मेरे मत से या मेरे हिसाब से फिर ऐसे लोगों में ना ही चाहे लवली चीक्स यानी अच्छे अच्छे चाहे चीक्स या गाल ना हो या फिर लिप्स या फिर होंठ उनके सुंदर ना हो या आइज यानी आंखें, यानी ऐसे लोग यानी उनमें जिनमें प्रसी में खूबसूरत बॉडी पार्ट्स नहीं होते हैं तो उनके केवल विचारधाराएं अच्छी होती, तो उनका जो प्रेम है वो हमेशा बरकरार रहता है, वो कभी भी राम नहीं होता है, खत्म नहीं होता है।
ठीक है, धन्यवाद।